जो दल बदल हुआ है उसके बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और जो प्रयागराज में चाय पान की दुकानें हैं उस पर भी इस पर चर्चा होने लगी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, अलग अलग पार्टियों के भी लोग हैं, इसके साथ साथ प्रयागराज की जनता भी है। हम बात करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं अल्पना निषाद जी, कल ही इनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। आप बताइए कि जिस तरीके से दल बदल हो रहे हैं, भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, आपकी पार्टी के भी तमाम नेता छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या मानती हैं कि किस तरह का संकेत है? देखिए संकेत जो है क्योंकि बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से पार्टी बदल रहे हैं वो एक प्रकार से शायद उनकी अपनी व्यक्तिगत एक रुझान है कि शायद इस पार्टी में वो बीजेपी पार्टी शायद उनके नज़र में लग रहा है तो वो बीजेपी पार्टी डूब रही। बीजेपी में नहीं, आपके यहाँ भी भगदड़ मची, इमरान मसूद समेत तमाम नेता गए हैं, आप बताइए क्या लगता है ये जो भगदड़ है क्या संकेत कर रही है? ये असंतोष का मामला है, लोग संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, किसान नौजवान तो रो रहे हैं, तो इनके नेता इनसे ही असंतुष्ट हैं। जो 5 साल इनके साथ कार्यकाल में काम किए, जो विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, आज एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा पाए। जो मस्टराइन यहाँ से गाजियाबाद में जो परिवार यहाँ रहता है जिसकी मस्टराइन, बताइए क्या कह रही हैं आप भारतीय जनता पार्टी से, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, कि कोई किसी का ट्रांसफर भी नहीं करा पाया, अवैध रूप से कोई काम नहीं हुआ, ये स्वयं बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी ने काम सही तरीके से किया है, विकास हो रहा है और जनता का विश्वास बना हुआ है। अगर इतना ही विकास हुआ है तो वो लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा, विकास आपको नजर आ रहा है? हाँ, विकास क्यों नहीं लग रहा है, पूरा प्रयागराज पूरा चेंज हो गया है, बहुत चीजों में हम लोगों ने देखा है, बाहर निकलते हैं हर चीज का डर खत्म हो चुका है हम लोगों का, तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं, मास्क लगा तो हर चीजों में देख रहे हैं कहीं भी। बताइए ये लोग तो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, विकास के आधार पर इस बार वोट मिले। मैं पूछना चाहता हूं अपनी माताओं बहनों से, मुझे बताएं कि कहां पे ये सुरक्षित हैं, किस जगह कहां पे सुरक्षित हैं? आपके शहर में ही अभी कुछ दिन पहले सोराव में 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई, कल एक महिला की जो है आपके नैनी में हत्या कर, यहाँ पे नीवा में हत्या कर दी गई। डाटा उठाया जाए तो अभी हम लोग देखते हैं उस डाटा के मुकाबले हम लोग 5 साल में बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गए। योगी जी किस में जहाँ निकल जाए, 11 बजे रात में भी अगर मैं निकलती हूँ तो मुझे कोई। आप बताइए, आप तो महिला भी हैं, नेता भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रही? देखिए जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो हम लोग पिछले 5 सालों में ये देख रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं। हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, सरकार की ही विधायक मंत्री महिलाओं के साथ रेप कांड। बताइए इन्होंने तो तमाम मुद्दे गिना दिए कि कितनी घटनाएं हुई। अभी जैसा कि हमारी बहन ने कहा, अगर आप डाटा उठा के देख ले कि उन घटनाओं में कितनी कमी आई, पूरे रूप से किसी को भी संतुष्ट कर पाना। हत्या हो गई हमारे जूना अखाड़े के प्रमुख, जिनके सरपरस्ती में पूरा कुंभ होता था और कुंभ स्नान शुरू हो गया से, मुझे शर्म आ रही है, अफसोस हो रही है, बीइंग अ मुस्लिम मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। इसी शहर में हमारे आचार्य नरेंद्र महाराज गिरी की हत्या हो गई, जिनके पास हत्या नहीं हुई, उन्होंने खुदकुशी की थी, ये आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है मोहम्मद मोइन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।